नमस्कार जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल खबर। नामांकन का आखिरी दिन कल है और अब मुखिया पद के लिए जो उम्मीदवार है वो रेस हो चुके हैं। धीरे धीरे नामांकन के और वो प्रखंड कार्यालय की और अपने समर्थकों के साथ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही प्रत्याशी हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। अनिल दा, ओडी से एंट्री होना, रेवेंट का चश्मा और मुखिया पद के लिए इतने सारे समर्थकों के साथ आना, क्या लगता है इस बार जो है जनता आपका साथ देगी? देखिए, चूँकि 2010 में जब पहला झारखंड में चुनाव हुआ तो उस समय भी हम मुखिया थे और सेकंड टर्म लेडीज का होने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए और हम उसके बावजूद भी हम जनता के बीच में रहे हैं और मेरे पूरे तमाम पंचायतवासियों से मेरा तमाम लोगों का विश्वास है कि इस बार जिस तरह से उन लोगों का मेरा सहयोग मिल रहा है, मैं इस पंचायत चुनाव में जीत के आऊँगा और तमाम मैं पंचायतवासियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चूँकि जब से मैं नामांकन के लिए बात करता रहा हूं, सभी लोग मेरे को खुल के सहयोग करते रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत पंचायतवासियों का धन्यवाद देता हूं, जो कि काफ़ी चढ़ बढ़ के जितना हमको होना चाहिए उनसे चढ़ बढ़ के मेरे गाँव वाला हमको मदद कर रहा है। मैं इन्हीं उम्मीद से मैं चुनाव का नामांकन के लिए मैं आज कांके प्रखंड अंचल में आया हूँ। क्या कुछ एजेंडा लेके लोगों के पास जाएंगे? एजेंडा चूँकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र है खटंगा, जो कांके प्रखंड के एकदम सुदूर के देहात से और शहरी क्षेत्र से सटे हुए हैं और कांके प्रखंड में चूँकि हमारे विधायक जितने भी रहे हैं आज तक हमारे विधायक लोग भी ना हमारे पंचायत में कभी गए हैं ना उनके द्वारा किसी तरह का योजना हमारे पंचायत में दिखा है, लेकिन अगर हम आते हैं तो जितना भी अधूरा काम है उस कार्य को मैं तहे दिल से एकदम चढ़ बढ़ के हिस्सा लेकर मैं उस कार्य को पूरा करूंगा ताकि आने वाला समय में मैं जनता के जिस विश्वास से हमको जिताने का कार्य कर रहे हैं मैं उस पर खरा उतरूंगा ताकि आने वाला समय में फिर मैं दावेदारी कर सकूं। क्या कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, चूँकि हमको जिस विश्वास से आप लोग हमको मदद कर रहे हैं कीजिए, मैं आप लोग का जितना भी कार्य है पंचायत लेवल पे मैं उसमें खरा उतरूंगा और किसी को कष्ट होता है उसमें भी किसी को कष्ट नहीं होने देंगे। इन सब सारी बातों को लेकर मैं पंचायत के अपने ग्रामीणों के क्षेत्र के बीच में जाता रहता हूं शुरू से भी और नहीं रहने के बावजूद भी क्षेत्र में किसी तरह का समस्या हो हम क्षेत्र छोड़ के हटे नहीं हैं। इन्हीं को देखते हुए ग्रामीणों का सैलाब है कि भाई इस बार मुखिया जी को जिताए। इन्हीं सन शब्दों के साथ मैं अपना बात को यहीं विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े हुए थे अनिल लिंडा जी, जो इस बार मुखिया पद के लिए नामांकन करने के लिए आए थे। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इनकी कितनी साथ देती है। लोकल खबर के लिए मैं सचिन।